दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोभी मसाला। आलू गोभी मसाला बनाने के लिए हमारे पास जो सामान है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तेज पत्ता, कलौंजी, राई, थोड़ा सा ये मसाला जिसमें लौंग और काली मिर्च का मिश्रण है, थोड़ी सी इलायची, शाही जीरा और खड़ी लौंग। इसके अलावा जिंजर गार्लिक, अदरक लहसुन, प्याज, थोड़ा सा तेल। उसके अलावा ये अपने नॉर्मल मसाले हैं, इसमें कश्मीरी मिर्च, गरम मसाला, नॉर्मल मिर्च, हल्दी, धनिया, अमचूर और नमक। आलू है, गोभी है, नॉर्मल मिर्च है जिसको हमने चाकू से नहीं काटा है, हाथ से तोड़ लिया है, साथ में थोड़ा सा धनिया। और गोभी भी हमने हाथ से तोड़ी है ताकि मतलब गोभी जो है इस तरह से थोड़ी बड़ी रहे, अगर हम चाकू से काटेंगे तो ये हलवा बन जाएगा गोभी का बाद में। उसके अलावा हमारे पास है एयर फ्रायर जिसमें हम हाई डिग्री टेम्परेचर पर गोभी को फ्राई करेंगे। घर पे अगर आपके पास में अवेलेबल नहीं हो तो आप गोभी को ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, आलू को ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, बट टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए। सबसे पहले हम आलू डालेंगे एयर फ्रायर में, और आलू को डालने के बाद उसमें थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल, लगभग एक चम्मच। देखिए ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपका एक चम्मच ऑयल में ही आलू फ्राई हो जाएगा। इसे फ्राई करेंगे, ये हमने आलू इस तरीके से फ्राई कर लिया है, मतलब कम्प्लीटली फ्राइड नहीं है, पोटैटो वेजेस बनने से थोड़ा पहले आपको इसको निकाल लेना है। और इसको फ्राई करने में हमारे एयर फ्रायर में लगभग 8 मिनट लगे 180 डिग्री टेम्परेचर। सेम तरीके से हम गोभी फ्राई करेंगे, पहले आलू और बाद में गोभी, इसलिए किया क्योंकि गोभी का गर्म होना बहुत ज़रूरी है अंदर जाने के समय फाइनल सब्जी के लिए। इसमें तो वही थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, और इसको हम भी फ्राई होने के लिए लगा देंगे। अभी हमारी गोभी इतना फ्राई हो गई है, इसको इतना फ्राई होने में लगभग 6 मिनट का समय लगा 180 डिग्री पे। अब मैं एक बार वापस इसके अंदर आलू डालूंगा और 2 मिनट के लिए दोनों को 180 डिग्री पे फ्राई करूंगा ताकि आलू और गोभी दोनों गर्म रहें जब वो सब्जी बनने जाए। जब तक गोभी फ्राई होती है हम यहाँ पे गैस को जला करके स्टार्ट कर लेंगे सब्जी बनाना, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा तेल नहीं डालना है, तो मैंने सिर्फ 5 से 6 टेबल स्पून तेल डाला है। देख, क्योंकि हमें कम तेल में पूरी सब्जी को बनाना है, वो हमारा टारगेट है। जैसे हमारा तेल गर्म होता है हम मसाले डाल देंगे इसमें। और साथ में हम अपनी गोभी और आलू निकाल करके मिला देंगे। तो फिर थोड़ा सा तरीके से हिलाएंगे, उसके बाद हम इसमें प्याज और जिंजर गार्लिक डाल देंगे। साथ में मिर्च, और हमने जितने भी मसाले लिए थे वो सब डालेंगे, केवल हम गरम मसाले को सबसे लास्ट में डालेंगे। ये गरम मसाला हमने लास्ट के लिए रख लिया है, अब जो हमने इसमें डाला है उसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इसको हम ढक देंगे ताकि इसके अंदर जो भाप बनेगी उससे जो पानी बनेगा उससे अपने आप आलू गोभी पके। हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला, और चूंकि हमने इसमें नमक ऑलरेडी डाल दिया है तो वो भी इसको पकाने में हमारी सहायता करेगा। तो ये देखिए, अभी जो अपने आप अंदर पानी बन रहा है उसी से ये पूरी सब्जी पकेगी, इसमें अपन ने कुछ भी एडिशनल पानी नहीं डाला। हमारी सब्जी 80% तक बन चुकी है, अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे ताकि गरम मसाले की खुशबू इसमें बरकरार रहे। ये सब्जी बन चुकी है, इसको हम ऐसा निकाल देंगे, थोड़ा धनिया डालेंगे और इसकी गार्निशिंग करेंगे। ये देखिए, इसी के साथ हमारी आलू गोभी मसाला की सब्जी तैयार है। इसको बनाने में लगभग 25 मिनट का समय लगा है, जिसमें 12 मिनट फ्राई में
लगभग 13 मिनट तक हमने इसे पकाया है।